न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं न मुझे राज्य की कामना है न ही स्वर्ग की और न ही मोक्ष की। कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। मैं दुखी प्राणियों के दुख निवारण में सहायक बन सकूं, यही प्रभु से प्रार्थना है। कामना रहित सेवा भाव, संपर्क, सहयोग, संस्कार एवं समर्पण के संकल्प की पूर्णा होती है भारत विकास परिषद चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र कोटा। वर्तमान दौर में आधुनिक चिकित्सा समाज के अधिकांश वर्गों की पहुंच से बाहर हो चुकी है। सर्वहारा वर्ग मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं के लिए भी सरकारी उपक्रमों पर निर्भर है। छोटी सी बीमारी के लिए भी सरकारी अस्पतालों में लगी लंबी लंबी कतारें, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी, नर्सिंग सुविधाओं का अभाव और दिनों दिन महंगी होती चिकित्सकीय जांचें। समाज की इन्हीं पीड़ाओं को समझते हुए भारत विकास परिषद के सेवाभावी और समर्पित सदस्यों ने एक पुनीत कार्य में सहयोग का समुचित निर्णय लिया। सेवा का भाव, देश प्रेम का भाव, देश में रहने वाले प्रत्येक घटक को अपने बंधुत्व समझ करके काम करने का भाव मन में जगा। भारत विकास परिषद चिकित्सालय की जो सोच थी वो इस हिसाब से रखी गई थी कि गरीब तबके के जो लोग हैं उनको सुविधा मिल जाए और सस्ते दाम पर सुविधा मिल जाए। आज चिकित्सालय में लगभग 60 चिकित्सक बंधु और लगभग 350 स्टाफ कार्यरत है जो अपनी पूर्ण क्षमता, निष्ठा और सेवा भावना से कार्य कर रहा है। सेवा बने स्वभाव के विचारों के साथ कुछ वर्षों पूर्व एक संकल्प उठाया गया। यह संकल्प आज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रूप ले चुका है।
कई कार्यकर्ताओं, सैकड़ों दानदाताओं, समाज के बहुत सारे श्रेष्ठ बंधुओं के आशीर्वाद से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में यह टोली आगे बढ़ती चली गई और आज भारत विकास परिषद चिकित्सालय का जो वटवृक्ष हमको दिखाई देता है, यह उन सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत, परिश्रम और निष्ठा और ईमानदारी का परिणाम है। समाज के सेवाभावी बंधुओं के सहयोग से निर्धन और असहाय रोगियों को रियायती दर पर उच्च कोटि की चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित यह चिकित्सालय आज 200 शैयाओं वाला संपूर्ण चिकित्सालय है और स्थानीय क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका है। इस संस्थान ने वर्तमान अवस्था तक आने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। कोटा में भारत विकास परिषद की नींव डॉक्टर सूरज प्रकाश जी द्वारा सन 1989 में रखी गई थी। भारत विकास परिषद चिकित्सालय की सोच के पीछे भी एक मर्म स्पर्शी दिलचस्प कहानी है। संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष श्री श्याम जी शर्मा एक दिन किसी कार्यवश सरकारी अस्पताल गए तो उन्होंने अस्पताल में घुसते हुए देखा कि एक स्ट्रेचर पर कपड़े से ढका एक शव रखा हुआ था। एक महिला दुखी अवस्था में अकेली उस शव के पास बैठी रो रही थी। किसी भी अस्पताल के लिए यह एक आम सा दृश्य हो सकता है। उन्होंने भी उस पर एक नजर डाली और आगे बढ़ गए। लगभग 4-5 घंटे बाद जब शर्मा जी उसी स्थान से बाहर निकले तो देखा कि वो शव अभी तक वहीं था और वो महिला भी उसी अवस्था में वहीं बैठी थी। इतने समय तक शव को ऐसे ही पड़ा देखकर मानवीय संवेदना से प्रेरित होते हुए उन्होंने उसके बारे में जानकारी ली। पता चला कि वो महिला उस व्यक्ति की अकेली रिश्तेदार थी। उस महिला के पास शव को ले जाने और अंतिम संस्कार करने के लिए भी पैसे नहीं थे। उन्होंने शव को ले जाने एवं अंतिम संस्कार हेतु संपूर्ण व्यवस्था की। इस घटना ने उन्हें इतना विचलित किया कि उन्होंने समाज के ऐसे असहाय एवं निर्धन वर्ग के लिए कुछ करने की ठान ली। इस मार्मिक दृश्य की चर्चा उन्होंने अपने सहयोगियों से की और इस प्रकार भारत विकास परिषद चिकित्सालय के सुविचार का उदय हुआ। प्रारंभ में कोटा के नयापुरा क्षेत्र में एक किराए की दुकान में एक छोटी सी पैथोलॉजी लैब से इस पुनीत कार्य का श्री गणेश किया गया। अगले ही वर्ष 1992 में इसी स्थान पर एक स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं होम्योपैथी विशेषज्ञ की सेवाएं भी प्रारंभ कर दी गईं। एक छोटी सी पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी से प्रारंभ होकर उसमें शनई शनई होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस सेवा, गायनोलॉजिकल सेवा आदि धीरे धीरे विस्तार करते हुए इस भारत विकास परिषद की चिकित्सालय का स्वरूप निखर के आया। ९३ में संस्था द्वारा एक और बड़ी परियोजना का शुभारंभ किया गया। आरएसएस के पूजनीय सर संघ चालक रज्जू भैया जी के कर कमलों द्वारा एम्बुलेंस सेवा का लोकार्पण किया गया।
अपनी निस्वार्थ सेवा भावना और समर्पण के चलते बहुत ही कम समय में ये संस्थान समाज में अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ। कालांतर में कोटा नगर के निवासियों और दूर दराज गांव के लोगों के लिए कोटा में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आवश्यकता को पहचाना और नगर के संभ्रांत भामाशाहों के सहयोग से 8 दिसंबर 1995 को परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी गिरी के कर कमलों द्वारा भारत विकास परिषद चिकित्सालय की नींव रखी गई। इस पुनीत कार्य का संपादन समुचित अर्थ पूर्ति के बिना सहज नहीं था। इस परियोजना को मूर्त रूप देने में नगर के अनेकानेक दानदाताओं ने तन मन धन से दान दिया। अगर दानदाता हमारे आग्रह को स्वीकार करके और समय समय पर हमको दान नहीं देते तो शायद ये प्रोजेक्ट आज इतना विशाल और उपयोगी नहीं होता। हम धन्यवाद करते हैं उन सभी दानदाताओं को और उनको स्मरण करते हैं कि उनके दान के कारण ही आज हम इतना आगे बढ़े हैं। इन सभी गणमान्य दानदाताओं के अनवरत सहयोग एवं अनथक प्रयासों से 2 वर्षों की अल्पावधि में ही इस जनोपयोगी परियोजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया। 8 दिसंबर 1997 को इस चिकित्सालय के प्रथम चरण का लोकार्पण पुनः पूज्य स्वामी जी के कर कमलों से किया गया। प्रथम चरण की अद्भुत सफलता और जन अपेक्षाओं को देखते हुए 28 जनवरी 1999 को हॉस्पिटल के द्वितीय चरण का लोकार्पण भी स्वामी जी के सानिध्य में ही संपन्न हुआ। इसके उपरांत समय समय पर इस हॉस्पिटल की सुविधाओं में विस्तार किया जाता रहा। आउटडोर के अंदर जनरल सर्जरी है, जनरल मेडिसिन है, पीडियाट्रिक्स है, ऑर्थोपेडिक है, गायनी है, आई है, ईएनटी है, नेफ्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है। एक माह उपरांत ही 12 अप्रैल 2000 को नवीन शल्य कक्षों का लोकार्पण एवं सुपर स्पेशलिटी भवन का शिलान्यास तत्कालीन गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी एवं भैरव सिंह शेखावत जी द्वारा किया गया। 6 माह के अल्पावधि में नवीन ओपीडी का लोकार्पण 19 अक्टूबर 2000 को माननीय केसी सुदर्शन जी सर संघ चालक के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। 25 दिसंबर 2001 को हृदय रोग गहन चिकित्सा इकाई का लोकार्पण किया गया। 25 फरवरी 2004 को सुपर डीलक्स एवं कॉन्फ्रेंस हॉल का लोकार्पण साथ ही निशुल्क चल चिकित्सा इकाई का शुभारंभ माननीय श्री गुलाबचंद जी कटारिया सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्रालय राजस्थान सरकार के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इसी क्रम में 10 अप्रैल 2005 को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का शुभारंभ एवं तत्पश्चात 1 जुलाई 2005 को नर्सिंग प्रशिक्षण माधव नर्सिंग स्कूल को आरंभ किया गया। नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना भारत विकास परिषद कर रही है और उसमें इस वर्ष
संभवतः एडमिशन्स होंगे और बीएससी नर्सिंग के छात्रों को भी इसी प्रकार से तैयार किया जाएगा ताकि वो आने वाले समय में नर्सिंग छात्रों को संस्कारवान शिक्षा उपलब्ध करा सके। चिकित्सा कर्मियों के मन में सेवा का संस्कार जगे और वो निश्चल और निष्काम भाव से मरीजों की सेवा कर सकें, इसके लिए एक माधव नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से संस्था खड़ी की है जिसमें ऐसे चिकित्सा कर्मियों का निर्माण होता है जो परम सेवा भावी और सीखने के पश्चात वो समर्पण के भाव से मरीजों की सेवा करें। विकास का यह क्रम अनवरत रहा और 28 जुलाई 2005 को नवनिर्मित शल्य चिकित्सा कक्ष, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड एवं वेटिंग हॉल का लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार श्री घनश्याम जी तिवाड़ी द्वारा संपन्न हुआ। अगस्त 2006 को पद्मश्री डॉक्टर के सेठी, हार्ट स्पेशलिस्ट, दिल्ली हार्ट एवं लंग्स इंस्टीट्यूट के मुख्य आतिथ्य में बाईपास सर्जरी का शुभारंभ किया गया। अगस्त 2006 को डायलिसिस की सेवाएं भी प्रारंभ की गई। छब्बीस नवंबर 2010 को मेडिकल आईसीयू का शुभारंभ किया गया। आईसीयू अलग वार्ड है जिस 14 बेडेड है जिसके अंदर लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं जैसे वेंटिलेटर्स वगैरह भी हैं और कार्डिक आईसीयू अलग है जिसके अंदर 8 बेड हैं ये और स्ट्रोक आईसीयू है जिसके अंदर 14 बेड हैं। तो इन सब का अलग अलग हमने पीडियाट्रिक्स आईसीयू अलग है हमारे यहाँ जिसमें एनआईसीयू अलग है और ये लेटेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इक्विपमेंट्स हैं वो उसके अंदर हैं। वर्ष 2012 में 27 जनवरी को फिजियोथेरेपी एवं फिटनेस सेंटर का और 2 अक्टूबर को सीटी स्कैन सेंटर का लोकार्पण हुआ। अक्टूबर 2014 को ब्लड बैंक का शुभारंभ माननीय सर कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भैयाजी जोशी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के कर कमलों द्वारा किया गया। इसके अंदर 700 यूनिट्स ब्लड की स्टोरेज कैपेसिटी है, वाइब्रेसिव मशीन भी लगी हुई है जिससे कि ब्लड का सेपरेशन किया जा सकता है व ब्लड का बहु उपयोग भी
उसके द्वारा होता है। जनोपयोगी सुविधाओं और चिकित्सालय के उत्तरोत्तर विकास का यह क्रम अनवरत जारी है और समय समय पर सुविधाओं में समुचित विस्तार किया जाता रहा है। समाज के निशक्त और सर्वहारा वर्ग तक रियायती दरों पर अत्याधुनिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के ध्येय के साथ सर्वधर्म संभाव और विश्व बंधुत्व के आदर्श की प्रति समर्पित ये संस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। माना कि आप अभावग्रस्त नहीं, दुखी एवं रोगी भी नहीं, किंतु हजारों हजारों लोग अभावग्रस्त, दुखी एवं जटिल बीमारियों से ग्रसित हैं। आइए हम और आप मिलकर उन्हें सुखी करने के लिए, कैंसर जैसी महामारी से लड़ने के लिए बड़ा दिल करके बड़ा काम करने के लिए प्रयत्न करें। इस काम के लिए दिल खोलकर हमको सहयोग करने के लिए आगे आना होगा। आइए हम और आप उनको संपूर्ण रूप से कष्ट मुक्त तो नहीं कर सकते, किंतु उनके आंसू तो पहुंच ही सकते हैं।